महाराष्ट्र में पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव अपन सब जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज अपना पूरा देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद की जानिब से आपके कौन कौन से कार्यक्रम लिए आते हैं? सर, जैसे कि माननीय पंतप्रधान मोदी जी इन्होंने और महाराष्ट्र शासन की जो चीफ मिनिस्टर है अपने शिंदे सर, इनके आदेश के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव अपन सब जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन करते वक्त अपने मेरे विभाग में जो मराठवाड़ा विभाग पूरा है, इसमें हम 3 दिन ये कार्यक्रम जोर शोर से, जिस तरह में दिवाली, ईद या बड़े बड़े जो अपन त्यौहार मनाते हैं, उस तरह में एक आज़ादी का महोत्सव अपन मना रहे हैं। ये मनाते वक्त एक प्रेरणा बच्चों को मिले कि देश आज़ाद जो हुआ है, ये आज़ादी सिर्फ अपने देश में अपने को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, और उस बलिदान का एक बच्चों तक उस बारे में पहुंचाना ज़रूरी है। बच्चे के दिल में अपने देश प्रेम जागृत होना चाहिए, अपनी जो भावी पीढ़ी है उसकी कीमत क्या है, उसको एहसास देने के लिए एक अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं। इसमें अपन रोशनाई किया है हर बिल्डिंग में, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए वे अलग अलग गेम्स किए हुए हैं, जिसमें जैसे इंडोर गेम्स हो गए या आउटडोर गेम्स हो गए, इसके तरह कॉम्पिटिशन्स हम ले रहे हैं कि जिसमें रंगोली की स्पर्धा होगी या बच्चों के लिए खेलकूद के कार्यक्रम ले रहे हैं, निबंध स्पर्धा ले रहे हैं, वक्तृत्व स्पर्धा ले रहे हैं। इससे बच्चों का स्टेज डेयरिंग बढ़ेगा और समाज में से जो बलिदान दिए हुए हैं, जैसे स्वतंत्र सैनिक होंगे या माजी सैनिक हो गए, इन लोगों का भी हम सेलिब्रेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट देके उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको फेलिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि देश प्रेम ही अपने को लोकशाही को सक्षम बनाएगा। और ये लोकशाही को कब सक्षम बनाना है, तो हर दिल में एक भाईचारा रहेगा, देश एक तब रहेगा जब अपन एक साथ में रहेंगे, एक एम से रहना चाहिए। और एक तिरंगे का जो ट्राई कलर है, यही अपना हिंदुत्व नहीं समझते हुए अपना देश प्रेम है, ऐसा समझना चाहिए सभी ने, तभी भाईचारा मेंटेन रहेगा। सर, देश के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, तो आज की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, तो उनको पता नहीं है कि किन किन लोगों ने बलिदान दिया है, तो उसका वर्णन कीजिए सर, शहीदों। सर, इस बलिदान के अंदर देश में का जो लोगों का बलिदान उन लोगों ने दिया था, किन लोगों के नाम अपने को आज पता है, मगर बहुत सारे लोगों के नाम अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पता है, तो इसके लिए है, इसको बढ़ाने के लिए अपने को बहुत ज़रूरी है। और हो क्या रहा है, जिन लोगों का नाम किताबों में है वही लोगों के बारे में अपने को पता चल रहा है, मगर देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बलिदान देने के बाद आज वो पर्दे के पीछे होने के बाद पर्दे के पीछे ही रह के कालवश हो चुके हैं, उनको भी अपने को सामने लाना जरूरी है। और उस टाइम में इतना मीडिया नहीं था, तो हो सकता है बहुत लोगों को अपने को इस बलिदान को अपन उस दिन सही पोजीशन पे ले जाएंगे, जिस दिन उन सब के लिए एक कुछ बड़ा सा बच्चों के दिल में एक प्रेम रहेगा, उनको एक आदर्श रहेगा, क्योंकि देश स्वतंत्र जब हुआ है, मगर इस देश के स्वतंत्र के बीच में जिन जिन लोगों के बलिदान है वो भुलाए नहीं जा सकते, वो कभी भूलना भी नहीं चाहिए, यही अपने लोकशाही की जरूरी है। सर, आपने अभी बताया कि नौ पीढ़ी को बलिदान जिसने दिया है देश की आज़ादी के लिए, उनको पता नहीं है, तो आपकी नज़र में कि हर ऑफिस में, हर कार्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसको बच्चों को मालूम हो कि किस किन 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 लोगों ने बलिदान दिया था देश के लिए? सर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर और अपने स्कूल एजुकेशन के अंदर एक महाराष्ट्र में एक सक्षम योजना है, जिसके अंदर अपन बच्चों को जो थोर पुरुष होते हैं इनके बारे में स्कूल एजुकेशन से ही अपन उनको इन्वॉल्वमेंट दिया रहता है, और
ये 15 अगस्त या 26 जनवरी ही दो दिन नहीं इम्पोर्टेंट, लाइफ में रोज ही उन लोगों का नमन होना चाहिए, उनका मनन होना चाहिए। इसके लिए हम टाइम टू टाइम सब जगह पे प्रोग्राम लेते हैं ताकि बच्चों को उसकी अहमियत पता चले। सर, आपके व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जाता है सर, उस बारे में? सर, व्यवसाय शिक्षण ये जो है अभी हर तरह का एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं एज अ सहसंचालक व्यवसाय शिक्षण में बताना चाहूँगा सभी को, क्योंकि व्यवसाय शिक्षण ये ऐसा एजुकेशन है जो आदमी को अपना आत्मनिर्भर बनाता है, उसके साथ में अपने पैरों पे खड़े रहने की एक ताकत देता है, और अपना देश निर्माण करने के अंदर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एक ऐसा एक ही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ग्रॉस लेवल पे, बॉटम लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे काम करने के लिए जो बच्चे हैं वो हम लोग तैयार करते हैं, और ये बच्चे ही फ्यूचर में इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ाते हैं और इंडस्ट्री को हेल्प करके मैन पावर की जो ज़रूरत है वो अपन फुलफिल करते हैं। तो उस फुलफिल करते वक्त कम 2 साल के एजुकेशन में या 1 साल के एजुकेशन में बच्चे अपने खुद के पैर पे खड़े रहते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और अच्छा अच्छा रोज़गार हम बच्चों को कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपलब्ध होता है, और उसकी रोजी रोटी हम बना के उस बच्चे को सक्षम बनाते हैं, और उस बच्चे को जब सक्षम बनाते हैं तो वो सक्षम का उसका परिवार सक्षम होता है, और परिवार सक्षम होगा तो अपना महाराष्ट्र सक्षम होगा और अपना देश सक्षम होगा। आई पैसा पिठाचा डबा असेल किंवा तांदळाचा डबा असेल आणि ते पैसे ज्यावेळेस फॅमिलीला अचानक पैशाची अडचण राहायची त्यावेळेस ती पैसे काढून द्यायची, हे ट्रेडिशन आपलं पूर्वपार चालत आलेलं आहे। आता हे ट्रेडिशन चालत असताना त्यांचा त्या कुठल्याही मॅनेजमेंट मध्ये पूर्ण होते। आज सुद्धा आपण किती जरी येणार असलो तरी एक लक्षात घ्या, आर्थिक स्वावलंबन जर काही शिकायचं असेल तर जगातलं सर्वात मोठा गुरु महागुरु म्हणजे आपली आई असते। आता या सेव्हिंग मधला जो पार्ट असतो, आता बचत म्हणजे काय, बरेच स्वावलंबन मार्केटमध्ये दिलं जातं। एक म्हणजे आपल्या फॅमिलीमध्ये बचत म्हणजे काय असते, तर आपण या जगामध्ये असताना जे काही भौतिक सुख सुविधा आपल्या मुलांना आपण देत असतो त्याच भौतिक सुख सुविधा आपण नसताना आपल्या फॅमिलीला आणि मुलांना देता आले पाहिजे। कारण अनहॅपन्स हे आयुष्यात होणार आहे, नक्की होणार आहे। कोणी अमृत कलशाच्या प्रमाणे अमृत घेऊन नाही आलेलं आहे, आपल्याला या जगामध्ये एक्झिस्ट करताना कधीतरी हे एक्झिस्ट असेल, परंतु एक्झिस्ट हे रिस्पेक्टिव्ह असलं पाहिजे, एक स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, एक फायनान्शियली फॅमिलीला एक प्रोटेक्टेड असलं पाहिजे। आता होतं काय की वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रलोभनमध्ये आपल्याला जसं आपलं सांगितलं आहे किंवा इन्शुरन्स काढलं पाहिजे, तर मी या मताचा आहे 100% इन्शुरन्स काढलाच पाहिजे। कारण इन्शुरन्स हा तुमच्यासाठी असतो, त्या एजंटला 2 पैसे 5 पैसे मिळतात म्हणूनही इन्शुरन्स काढला पाहिजे असं कधीच विचार न करता। इन्शुरन्स हा आपल्या स्वतःसाठी असतो। मग इन्शुरन्स करत असताना इन्शुरन्स कसा काढला पाहिजे, तर आपल्या फॅमिलीमध्ये जी सोर्स ऑफ इन्कम आज चालू आहे, जे आपलं जवळपास साधारणतः एज आपण प्रेडिक्ट करतोय रिटायरमेंटचं किंवा तर त्याच्या मल्टिपलाने आपल्या फॅमिलीला पैसा रिटर्न मध्ये मिळायला पाहिजे। म्हणजे जर काही कमी जास्त आलं तर मुलांना एज्युकेशन असेल, मुलांचं लग्न असेल, फॅमिलीचा आजारपण असेल, या सर्वांचा विचार आपण केला पाहिजे। सेकंड पार्ट, हेल्थ इन्शुरन्स हा अतिशय काळाची गरज आहे। या हेल्थ इन्शुरन्स मध्ये आपण सर्व कर्मचारी जरी असतो तरी आपल्याला एक मनामध्ये एक गैरसमज आहे की मला शासनाचा मेडिक्लेम मिळतो, पण मी सांगू इच्छितो मित्रांनो, हा शासनाचा मेडिकल जोपर्यंत तुम्ही कार्यरत आहे तोपर्यंत असतो, आणि आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त गरज तुम्हाला ॲट द एज ऑफ 58 लागणार।
हे 50 नंतरच तुम्हाला लागणार आहे. तो इन्शुरन्स तुम्ही आज काढला तर तुम्हाला तो जास्त फायदेशीर राहील. आणि वयाच्या 50-55 नंतर इन्शुरन्स मिळेल कारण याची काही गॅरंटी नाही. कारण त्यावेळेस आपल्याला ऑलरेडी एक्झिस्टिंग बिझनेस असतात, त्यामुळे कुठल्याही इन्शुरन्स कंपनी ही तुमच्यावर दाव लावण्यासाठी तयार नाही राहणार. त्यामुळे या चेंजमध्ये तुम्हाला इन्शुरन्स हेल्थ इन्शुरन्स पण काढणं गरजेचं आहे. आता इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स या दोन गोष्टी जेव्हा काढतो तर याच्या फायली असतात. या फायली आपल्या परिवाराच्या सर्व सदस्यांना माहिती असतं की हे डॉक्युमेंट मी कुठे ठेवलेले आहेत, कसले डॉक्युमेंट आहेत, आपल्या फॅमिलीला आपल्या बँकेचा युजर नेम पासवर्ड सुद्धा माहिती पाहिजे. कारण ज्या दिवशी 16 तारखेला शेवटचा दिवस कदाचित तो राहिला असतं, पण परमेश्वराच्या कृपाने किंवा तुमच्या सर्वांच्या एक बेस्ट ब्लेसिंग मध्ये मी आज तुमच्या समोर आहे. तर त्या दिवशी खरं सांगतो की काय काय गोष्टी आपण केल्या पाहिजे आपण तेवढंच महत्वाचं काय. त्यामुळे एलआयसीच्या किंवा कुठलेही महत्वाचे डॉक्युमेंट अकाउंट असतील, नंबर ऑफ अकाउंट असतील, हे मात्र लोन लेवा, आपल्या फॅमिलीला अवगत करा.